मिडडे न्यूज और मैं हूँ आपकी मेजबान अलीना शिगरी। बुलेटिन में आपको वेलकम करते हैं। लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशिका तिलों का वक्त इख्तिताम है। आम आदमी के हाथ इख्तदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा। देश की रगों में रक्त जहर बेशुमार है, वो भी दोस्तों के तुमको किसका इंतजार है। लेकर आएगा तो इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। सवाल तो हम आपसे भी करेंगे ना, चांद के नीचे रहते थे कि आवाम का कोई सोच नहीं। कि बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पर आवाम जो है यहाँ पर एक जोश और खरोश, आवाम ने उनको देख के जो रिस्पॉन्ड किए, वो रैलीज यहाँ पर पहुँचनी है, वो रैलीज निकाली जा रही है डिफरेंट एरिया से, जो कि यहाँ पर मुतवक्क है। अब से कुछ देर में 11 बजे ये तमाम इंतजाम शुरू हुए थे और शटल्स का भी निज़ाम किया गया था ताकि डिफरेंट एरिया से डिफरेंट जो है इलाकों से कराची के आवाम को जो है वहाँ पर जो लोग हैं लड़के लड़कियाँ स्पेशली यूथ को टारगेट किया जा रहा था उनको लेके शटल्स जो है यहाँ पर पहुँचाएगी जलसेगाह तक। तो अभी सिर्फ उम्मीद ये की जा रही है कि रैली जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हुए नजर आएंगी जो मुख्तलिफ इलाकों से कराची के यहाँ पर जमा होंगी। और यहाँ पर इस वक्त मैं चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेंस विंग सिंध की वाइस प्रेसिडेंट मिसबा खालिद, हम उनसे भी उनके तासुरात जानते हैं। सलाम अलैकुम एंड वेलकम जी। सुना भी और कहा जा रहा था कि मुल्की तारीख का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा होगा, इस हवाले से कितने ऑप्टिमिस्टिक है आप लोग के ये तमाम कामयाब तरीन जलसा रहेगा ये वाला और मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा? इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज यार जैसे कि आप देख लो इतने लोग और कराची जैसी जगह में ऐसी चीज करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि कराची के लोगों को जगाना। आई थिंक सब लोग इतने प्यार मोहब्बत से इतने जोश से जहाँ लोग मिल रहे हैं, हम जब रस्ते में आ रहे थे छोटे छोटे बच्चे सारे जब हमारे हम पहुँच रहे हैं पहुँचे सारी खवातीन अपनी फैमिलीज़ को लेके आ रही हैं एंड इट इज़ वंडरफुल। दी एटमोसफेयर इज़ सो ब्यूटीफुल कि मतलब दिल खुश होता है। मैं कहती हूँ कि मतलब इतने अरसे बाद पाकिस्तान में एक होप है और ख़ास तौर पर कराची में, तो कराची में हमारा यकजहती का है और जलसा, और आई होप सब लोग आए कोई पार्टी से अपने हट के अबव होके पाकिस्तान के लिए बनाए, क्योंकि अभी टाइम है कि नया पाकिस्तान बनाए। कायद आजम साहब का मजार क्या है उनकी वो है मौजूद है इस बार यहाँ पर। बड़े क्रिटिसिज्म का भी आप लोगों ने सामना किया, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि क्रिसमस डे और कायदे आज़म की यौम पैदाइश में जलसा किया जा रहा है, ईद पर जो है क्या एहतजाज या इस तरह के मुजाहरे किए जाते हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म का भी आप लोगों ने सामना किया, क्या उससे कहना चाहिए? ये एक्चुअली सबसे पहले ये बात है इनको क्लियर होना चाहिए कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, दिस इज़ होप, ये तो नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद है और सब कायदे आज़म की जो सब जो कह चुके थे वो उन जैसा पाकिस्तान कभी बना ही नहीं। हम यहाँ पर मौजूद है ये भी बता दीजिए कि मीडिया पर्सन जो है यहाँ पर दो कंटेनर्स में मबनी जो है स्टेज बनाया गया मीडिया पर्सन के लिए, वहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर ताहा उबैदी मेरे जो है साथ भी मौजूद है यहाँ पर हमारे रिपोर्टर ताहा। मजीद मैं एंट्रेंस के भी हवाले से बात करना चाहूँगी आपसे कि दो एंट्रेंस हमें मीडिया पर्सन को कहा जा रहा था, एक एंट्रेंस से आए और वहाँ पे कारकुनान की तादाद भी आ रही थी, आवाम के लिए क्या एक एंट्रेंस सिर्फ मखसूस की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सियासी पंडितों की नज़रें जो हैं तहरीक इंसाफ के इस जलसे की जानिब मरकूज़ हैं। यहाँ पर जो है कल गुज़िश्ता रात जलसा गाह में इमरान खान ने दौरा किया था, जिन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर 2.5 लाख जो है लोग हम यहाँ पर लेके आएंगे। अब से कुछ देर में ही कहा जा रहा है कुछ ही मिनट्स में अब जो है वो यहाँ पर स्टेज पर ज्वाइन करेंगे। अभी फिलहाल वसीम राजपूत साहब जो है जलसे से खिताब कर रहे हैं, आप उनकी भी आवाज़ आ रही होगी। जलसे का आगाज़ बाकायदे तौर पर कुरान पाक की तिलावत से हुआ है, जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है, जो कि जलसे का आगाज़ अब से कुछ देर में बाकायदा शुरू किया जाएगा। वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम आते हैं, कितने लोगों की इंजॉयस के हवाले से हमें अपडेट करते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ का वक्त खत्म हो जाता है, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए, हमारा ईमेल एड्रेस है midday@raj.tv, आपसे चाहेंगे अब इजाजत। इसी के साथ ही मिड डे न्यूज़ की पूरी टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।